नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाएंगे, इन्हें मिर्ची के पकौड़े भी कहते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आइए मिर्ची वड़ा बनाना शुरू करते हैं। एक कप बेसन हमने प्याले में ले लिया है, 100 ग्राम बेसन है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसा पकौड़े के लिए घोल बनाते हैं उस तरह का घोल बनाकर तैयार करेंगे। पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम चिकना घोल बना लेंगे। इसके बाद हम पानी बढ़ाएंगे क्योंकि एकदम बेसन में अगर ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो गुठलियाँ ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाता है और दूसरा बैटर पतला भी हो सकता है। पोरिंग कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स होने तक मिलाएंगे। बैटर को हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक हम मिर्ची को काट कर और स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। ये हमने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, 250 ग्राम आलू हैं। आलू को छील लेंगे और मैश कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले मिलाकर स्टफिंग बनाएंगे। तो मसालों को हम भूनेंगे। पैन में हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है। तेल में हम दरदरा कुटा हुआ आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को भूनेंगे, गैस धीमी कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्च जो बारीक काट ली है और बीज हमने निकाल दिए मिर्च के, और 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। मसालों को थोड़ा सा भूनते हैं और अब हम डालेंगे मैश किए हुए आलू। 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए आलू को भूनेंगे। ये हमने आलू को पूरा 2 मिनट भून लिया है। सारे मसाले अच्छे तरीके से मिल गए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे। गैस बंद कर दे रहे हैं। स्टफिंग बनकर तैयार है, इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं। अब हम मिर्ची को काटकर और भरकर तैयार करेंगे। ये हमने 250 ग्राम मिर्च ली है, 11 मिर्च है। इन्हें हम लंबाई में इस तरीके से काटेंगे कि उनके नीचे का सिरा जुड़ा रहे, इस तरीके से काट के तैयार करेंगे। और ये जो मिर्ची है वो मोटी वाली मिर्च होती है तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, हल्की तीखी होती हैं। तो मिर्ची में से आप चाहें तो बहुत ज़्यादा बीज इनमें दिख रहे हैं तो इन्हें निकाल सकते हैं। तो ये स्टफिंग हम मिर्ची के अंदर भरेंगे अच्छे तरीके से, चम्मच से दबाकर पूरी मिर्च को ऊपर तक भरने तक स्टफिंग इसमें भरेंगे, एक्स्ट्रा स्टफिंग निकाल देंगे। इसी तरीके से हम सारी मिर्च को काट कर और भर कर तैयार करेंगे। ये सारी मिर्ची हमने भर कर तैयार करनी। 15-20 मिनट हो गए हैं और हमारा ये घोल बिल्कुल पकौड़े बनाने के लिए तैयार है। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, एकदम चिकना घोल है और इस घोल को बनाने में हमने 1/2 कप से ज़्यादा और 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज किया है। घोल में हम 1/2 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे पकौड़े थोड़े से ज़्यादा क्रंची बनते हैं। मिक्स कर देते हैं। और पकौड़े बनाने के लिए तेल हमने गरम करने रख दिया था, हम इसे चेक कर लेते हैं। तेल में 1 ड्रॉप हम बेसन की डालकर देख लेते हैं। तेल को थोड़ा सा और गरम कर लेते हैं। तेल में हम पकौड़े तलने के लिए डालते हैं। तो एक भरी हुई मिर्ची उठाएंगे और बेसन में लपेटेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा बेसन निकलने देते हैं। थोड़ा सा प्याले के ऊपर इस तरीके से मिर्ची को हम रोक लेंगे और अब हम गरम तेल में डालेंगे। मिर्ची को हम चारों ओर से अच्छा ब्राउन होने तक तलेंगे। ये पकौड़े चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा कलछी को कढ़ाई के ऊपर रोक लेंगे
ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। पकौड़े को निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं और सारे पकौड़े इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये हमारे सारे मिर्ची वड़ा तलकर तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे वड़ा बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से हल्के से नरम हैं। बहुत ही स्वादिष्ट वड़ा बने हैं। और इनको हम हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस या किसी भी अपने मनपसंद चटनी के साथ में परोस सकते हैं। मिर्ची वड़ा बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप बैटर बनाएंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर पतला बैटर होगा तो मिर्ची के ऊपर कोट नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा बैटर मिर्ची के ऊपर कोट हो जाएगा। हमें मीडियम पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए होता है। और जब बड़े तल रहे हैं तो पहले अच्छा गर्म तेल हो, बड़ा एकदम से तल कर कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर कर आना चाहिए। इसके बाद गैस मीडियम कर दीजिए और मिर्ची वड़ा को अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर तैयार करें। बहुत अच्छे मिर्ची वड़े बनेंगे। तो आप मिर्ची वड़ा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।